नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, कुछ साल पहले आप सभी ने काफी कार बायर्स से ये सुना होगा कि टाटा मोटर्स की आफ्टर सेल सर्विस काफी बेकार है, इसलिए हम टाटा की गाड़ी नहीं ले सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं सच भी था। दूसरे कंपनियों के मुकाबले टाटा वालों की सर्विस अच्छी नहीं थी, लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे इन्होंने अपने गाड़ियों में इम्प्रूवमेंट किया, वैसे वैसे इनकी सर्विस भी पहले से काफी इम्प्रूव हो गई है। मैं खुद नेक्सॉन ओनर हूं और इस गाड़ी को मैंने एक साल में करीब 42-43 हज़ार किलोमीटर चलाए हैं, लेकिन अभी तक न गाड़ी में और न ही सर्विस में कोई प्रॉब्लम देखने को मिला है। हालांकि ये बात भी पूरी तरह से सच है कि प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा शिकायतें टाटा की गाड़ियों में ही आ रही हैं, और ये 80-90% वो गाड़ियां होती हैं जिन्हें तुरंत शोरूम से निकलवाया गया होता है। मतलब एक तरह से आप इसको डिफेक्टिव कार भी कह सकते हैं। और रिसेंटली ऐसा ही एक काफी दुखद इंसिडेंट अपने व्यूअर के साथ ही हुआ है। उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले मिस्टर रंजीत सोनी जी ने 24 अगस्त को लखनऊ के शोरूम से ब्रांड न्यू टाटा एल्ट्रोस खरीदी थी। रात में करीब 8:45 पर डिलीवरी लेने के बाद ये लखनऊ से अपने घर के लिए निकले, और उसके बाद क्या हुआ आप इस कॉल रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। हुआ ये था भाई, तो कि गाड़ी उस दिन हमारी डिलीवरी डेट थी 24 तारीख को, तो ये हुआ था दोपहर में गाड़ी आपको 3 बजे डिलीवर कर दी जाएगी। हम लोग वही 3-3:30 बजे के आसपास पहुंचे, तो डिलीवर्ड पहली बात इतना मतलब हम टाटा के ऊपर इतना भरोसा करते थे भैया। हम लोग पिछली सारी कंपनियां छोड़ दिए सिर्फ कि इनकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर कि गाड़ी इनकी बड़ी अच्छी होती। और मेरा ये वीडियो बनाने का और आपसे बताने का सिर्फ यही रीजन है, मुझे मतलब टाटा से कोई मुझे परेशानी नहीं हुई है, जी, लेकिन जी। आगे किसी और भी कस्टमर को परेशानी ना हो ये समझाने की जरूरत है। तो जब 3:30 बजे मतलब मुझे मैं वहाँ पहुंचा, तो रात में मुझे डिलीवरी मिली करीब 9:45 बजे। मैं वहां से गाड़ी लेके आता हूँ रात में, और करीब मेरा घर वहां से 90 किलोमीटर दूर है, और गाड़ी में गोंडा लेके पहुंचा हूँ। टोटल 124 किलोमीटर गाड़ी उस दिन रनिंग हुई है। अच्छा, उसके बाद रात में लाके खड़ा किया हूँ। सुबह मुझे गैलरी से बाहर निकालना था क्योंकि मोहल्ले वालों की गाड़ी निकलती है। गाड़ी में कोई गियर ही नहीं लगता। जैसे ही मैं एक नंबर लगा रहा हूँ तो वो 3 नंबर पे जा रहा है, बैक लगा रहा हूँ तो 4 नंबर पे जा रहा है। बड़ी दिक्कत है, मूव कर रही थी कि नहीं 3 नंबर में, मतलब बहुत हाई एक्सीलेटर लूंगा तभी आगे बढ़ेगी। और गैलरी से 3 नंबर गियर से कैसे निकालना पॉसिबल है। फिर मैंने इनके पास फोन किया, तो वहां से जवाब आया कि भाई साहब गाड़ी तो हमने आपको यहाँ से सही दिया है, आप चला के लेके गए हैं, दिक्कत होनी चाहिए तो यहीं से हो जाती। सबसे बड़ी मुझे बुरा यही लगा कि आप मुझे उल्टा बेवकूफ बना रहे हो। मैं अपनी कंप्लेन आपको बता रहा हूँ कि दिक्कत आई है, तो आप उसका रिजॉल्यूशन ना बता के आप मुझे ब्लेम लगा रहे हो कि गाड़ी आपसे खराब हुई है। काफी दिक्कतों के बाद कल शाम को किसी तरह ये लोग मतलब रोड साइड असिस्टेंट वालों के हवाले कर दिए कि आप गाड़ी टो करवा दीजिए, ये है वो है। कल तक कोई दिक्कत नहीं मुझे, कल रात में वही मैं फोन आ रहा है 9:30 बजे के आसपास कि आपके पास सुबह टेक्नीशियन पहुंचेगा। अब आज टेक्नीशियन पहुंचा नहीं पहुंचा मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं आज हूँ बाहर एक गाड़ी के पीछे तो मैं खड़ा रहूं। और मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही सिद्धांत था कि आगे किसी को पता चले कि जो भी गाड़ी खरीदे आगे से ये सब दिक्कतें ना आए। हम खुद टाटा को पर्सनली सपोर्ट करते हैं कि ये कंपनी टाटा महिंद्रा हमारी मतलब हमारे यहाँ 4 गाड़ी है जो मारुति की है, मैं उसको खुद नहीं पसंद करता हूँ। अब टाटा की नई गाड़ी में ये सब दिक्कतें आएंगी तब ये टाटा की मतलब बदनामी के लिए, ये टाटा के डीलरों को समझाने के लिए कोई PDI उन्होंने नहीं किया। गाड़ी में 4 दिन पहले एक पैनल छोटा सा निकला हुआ था आगे, मैं PDI करने गया तो उन्होंने कहा ओके सर ये चेंज करा देंगे इसको हम। परसों जब गाड़ी डिलीवरी हुई फिर भी मैंने देखा सेम पार्ट्स लगा हुआ था। मैंने कहा भाई सर ये सब क्या है। करे सर वो बंदा था नहीं बारिश का, जो भी रीजन बता के उसके बाद हमको बता दिया गया कि सर सर्विस कराने आइएगा इसको सही करा देंगे। तो ये तो छोटी मोटी बात, लेकिन अब गाड़ी ही मतलब ब्रेक डाउन हो जाना है तो बहुत बड़ी बात हो गई। और मजबूरी में हम इस पे कल वीडियो बनाते हैं और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करवाते हैं जी, ताकि आपकी प्रॉब्लम थोड़ा सुनी जाए। हाँ प्रॉब्लम सुनी जाए, मतलब आगे किसी को दूसरे को प्रॉब्लम ना, मुझे तो वो मैं समझ रहा हूँ। आप ये ऐसा सोच रहे हैं बहुत बड़ी बात है, वरना लोग खुद के बारे में सोचते हैं। इतना खराब होने के बाद भी आप ये बोल रहे हैं जी, कि मुझे लोगों को परेशानी ना हो। मैं आगे से किसी को भी बताता हूँ तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप टाटा या महिंद्रा की गाड़ी के बाद मुझे लेने के बाद मैं खुद इतना परेशान हुआ हूँ। पहले भी तमाम मारुति की हुंडई की किया की भी गाड़ियां हमारे यहाँ है, एक कॉल करता हूँ इतने अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करते हैं वो लोग और समझाते हैं, उल्टा ये मुझे मतलब यहाँ से लिया गया वो मुझे ब्लेम लगा रहा है कि आप यहाँ से लेके गए, हो सकता है आपने कहीं कुदा दिया हो। बस मुझे बुरा यही लगा, मैंने सारी वीडियो में सबको देख लीजिए आप, ये लगा रहा हूँ 1 नंबर में पहुंच जा रहा है 3 नंबर पे, बैक लगा रहा हूँ बैक नहीं लग रहा, 4 नंबर वो मैंने वीडियो ईमेल पे देखा था। हाँ आप यहाँ लखनऊ से गोंडा लेके गए गाड़ी, तो बीच में कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हुआ, आराम से गई गाड़ी। हाँ आराम से गई है, वही तो मुझे हैरानी की बात है। यहाँ सुबह जब गाड़ी में बंद करके खड़ा हूँ उसके बाद बैक गियर ही नहीं लग रहा है, हैरानी की बात तो यही है।
बजरंगबली की कृपा से ये है कि रास्ते में मैं नहीं खड़ा हूँ क्योंकि बारिश बहुत हुई थी उस रात में। इसको बना के मतलब इसका मतलब सिर्फ यही संदेश होना चाहिए कि आगे से टाटा की गाड़ियों में मतलब लोग समझ के खरीदे, देखे बाले, डीलरों पे भरोसा ना करके खुद चेक करे जाके। तो आपने कॉल रिकॉर्डिंग में क्लियरली सुन लिया होगा कि भाई के साथ किस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ है और टाटा के तरफ से क्या चीजें हुई हैं। अब ये वीडियो देखिए जिसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाकई में ब्रांड न्यू एल्ट्रोज में किस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं। मतलब ओके, ये भैया 24 घंटा के अंदर खरीदी गई गाड़ी, इसको मैंने किया स्टार्ट, हो गई स्टार्ट। अब ये देखिए भैया, एक नंबर गियर डाल रहा हूँ जो नहीं लग रही है, वो सीधे पहुँच रही है 3 नंबर पे, 2 नंबर लगा रहा हूँ सीधे पहुँच रही है 4 नंबर पे, हद तो देखो रिवर्स लगा लो गाड़ी आगे बढ़ रही है, ये भी 4 नंबर पे, 1 नंबर नहीं लग रहा है, ना 2 नंबर लग रहा है, ना 3 लग रहा है, 4 लग रहा है, ना 5 ना बैक। ठीक, ये देखो कोई मीटर पे कुछ नहीं आ रहा है, ना 1 नंबर ना 2 नंबर, ये न्यूटन 1 लगा दिए नहीं जा रही है, ये बैक लगाए बैक, ये देखो बैक गियर लगा रहे हैं, लगी बैक गियर, गाड़ी जा रही है आगे, गाड़ी जा रही है आगे, ये देखो बैक बैक पे आगे जा रही है, इसको छोड़ो भैया, धक्का लगाओ पीछे करो गाड़ी, धक्का लगा के मीटर पढ़ सकते हो भैया आप लोग, कितने किलोमीटर चली है, बस पीछे भी देखो, पीछे बस पीछे लड़ तो नहीं रही है, और अंदर ये देखो फिर से बैक गियर, दरवाजा खोल दो, बाहर का आवाज, ये देखो बैक गियर, ये लगाई बैक गियर एकदम ठीक, तो गाड़ी जा रही है आगे, वाह टाटा टेक्नोलॉजी, 104 किलोमीटर चली गाड़ी का ये हाल है टाटा। वीडियो में आप देख सकते हैं अल्ट्रोज का गियर वर्क नहीं कर रहा है भाई, 1 लगा रहे हैं तो 3 लग रहा है, 2 लगा रहे हैं तो 4 लग रहा है, और बैक लगा रहे हैं तो गाड़ी आगे जा रही है। अब ऐसा एग्जैक्टली क्यों हो रहा है वो तो नहीं पता, लेकिन देखकर तो यही लग रहा कि इसके गियर बॉक्स में प्रॉब्लम है। हालांकि गाड़ी करीब 100-110 किलोमीटर चल कर आई है और रास्ते में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, रात में पार्क करने के बाद जब सुबह इसको स्टार्ट किया गया तो ये सारी चीजें देखने को मिली। इस पर डीलर का कहना है कि हमने आपको गाड़ी सही दी थी, आपके ले जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ। अब इस पर क्या ही बोल सकते हैं, सबको अपना पल्ला झाड़ना होता है। आप खुद सोचिए मात्र 100-110 किलोमीटर में क्या ही ऐसा हो जाएगा जिससे ऐसा सिचुएशन बन जाए। खैर, कॉल रिकॉर्डिंग में आप सभी ने खुद सुना होगा किस तरह से भाई टाटा मोटर्स को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने सारी कंपनीज को रिजेक्ट करके टाटा की गाड़ी चुनी और इनके साथ ही ऐसा हो गया। वाकई में आज नहीं तो कल लगातार सामने आ रही है ऐसी चीजें, कहीं ना कहीं टाटा पर से लोगों का भरोसा उठा देंगी, इसीलिए कंपनी को समय रहते अपने चीजों को सही करने की जरूरत है और इनको डीलरशिप पर कायदे से ध्यान देना चाहिए कि वो सही तरीके से नई गाड़ियों की पीडीआई करने के बाद ही उसे बेचें, कस्टमर को डिफेक्टिव कार ना पकड़ाएं। बाकी इस पर्टिकुलर कार की प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व होनी चाहिए और मैं इसके लिए ट्वीट भी करूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा उसे रीट्वीट करें ताकि टाटा ऑफिशियल्स खुद इस पर ध्यान दें। बाकी आपका इस इंसिडेंट पर क्या मानना है कमेंट में बताइए।